बिस्मिल्लर रहीम रिव्यू एक्सरसाइज टेन क्वेश्चन नंबर वन ड्रा टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली ड्रा लाइन सेगमेंट इक्वल इन लेंथ टू देयर सम अब यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में राइट है ड्रा टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इस तरह हम टू लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे ए बी एंड सी डी ए बी की लेंथ लेंगे 4.5 सेंटीमीटर ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन स्केल की हेल्प से ड्रा की है इस तरह से ये 4.5 सेंटीमीटर आपने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रा करनी है सी डी सी डी है 3.2 सेंटीमीटर सी डी की लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से इस तरह से टू लाइन ड्रा करनी है ड्रा अ लाइन सेगमेंट इन लेंथ टू देयर सम अब हमने इन टू लाइंस का सम फाइंड आउट करना है यहाँ पे स्केल की हेल्प से तो एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, पे, पे राइट करेंगे इस e. पॉइंट पे ओ यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे ई अब यहाँ पे कंपास की हेल्प से ए बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट लेंगे ओ पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट की यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की है अब इसी तरह सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट लेंगे अब यहाँ पे राइट करेंगे क्यू क्यू पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे ये सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है यहाँ पे राइट करेंगे पी यहाँ पे ओ क्यू की मेजरमेंट है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ए बी की मेजरमेंट ली थी यहाँ पे क्यू और पी की मेजरमेंट है थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर ये हमने सी डी की मेजरमेंट ली थी अब यहाँ पे ओ पी लाइन सेगमेंट में शामिल है ओ और क्यू की लेंथ और यहाँ से क्यू और पी की लेंथ तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट ओ पी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है क्वेश्चन नंबर टू ड्रा टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी सेवन सेंटीमीटर एंड टू पॉइंट एट सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली ड्रा अ लाइन सेगमेंट टू फाइंड देयर डिफरेंस क्वेश्चन नंबर टू में हमने टू लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है ए बी एंड सी डी और यहाँ पे फिर उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर वन में सम फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर टू में डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सेवन सेंटीमीटर सीडी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 2.8 सेंटीमीटर अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे ओ इस पॉइंट पे राइट करेंगे ई अब यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट लेंगे कंपस की हेल्प से ओ पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे पी अब यहाँ पे सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट लेंगे कंपस की हेल्प से यहाँ पे पी पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे Q अब यहाँ पे राइट करेंगे मयरमेंट लाइन सेगमेंट ओ क्यू इज इक्वल है मैयरमेंट लाइन सेगमेंट ओ पी माइनस मयरमेंट लाइन सेगमेंट पी क्यू अगर हम ओ पी लाइन सेगमेंट में से माइनस कर दें पी क्यू लाइन सेगमेंट तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट आएगी ओ क्यू तो यहाँ पे राइट करेंगे मयरमेंट लाइन सेगमेंट ओ क्यू इज इक्वल है मैयरमेंट लाइन सेगमेंट ओ पी माइनस मैयरमेंट लाइन सेगमेंट पी क्यू क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ सिक्स सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट आर ऑन इट एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे पी क्यू सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे पी यहाँ पे राइट करेंगे क्यू सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे आर अब यहाँ पे अंदाजे से कंपस को ओपन करेंगे आर्क पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से कंपस की हेल्प से एक आर्क ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे इस पॉइंट पे टी इस पॉइंट पे राइट करेंगे एस अब यहाँ पे कंपस को मैंने थोड़ा सा और खोला है टी पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे एस पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट हुई हैं इस पॉइंट को नेम देंगे का अब यहाँ पे एल पॉइंट को और आर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे या फिर राइट करेंगे एम तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर ड्रा अ लाइन सेगमेंट एल एम ऑफ लेंथ फाइव सेंटीमीटर टेक अ पॉइंट एन आउटसाइड ऑफ इट एंड ड्रा अप्रिपेंडिकुलर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे फाइव सेंटीमीटर एल एम और यहाँ पे हमने पॉइंट लेना है आउटसाइड यानी कि लाइन के बाहर की तरफ पॉइंट लेंगे एन उसके ऊपर परपेंडिकुलर पास करेंगे अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर सोल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे एल एम फाइव सेंटीमीटर अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में कहा हुआ है कि लाइन से बाहर की तरफ एक पॉइंट लेना है यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे एन अब यहाँ पे कंपास को अंदाजा ओपन करेंगे अब यहाँ पे एन पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से इस पॉइंट पे राइट करेंगे पी इस पॉइंट पे राइट करेंगे क्यू क्यू पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे पी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे, पे ये पॉइंट है टी यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे अब यहाँ पे N पॉइंट को और इस T पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ कंपसिज एंड बाई सेक्ट दैम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में थ्री पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले सिक्सटी डिग्री का एंगल ड्रा करना है और उसके बाद उसको बाई करना है बाई मीन टू पार्ट्स में डिवाइड करना है नाइन्टी डिग्री का एंगल उसके बाद ड्रा करेंगे और नाइन्टी डिग्री को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये एंगल्स ड्रा करेंगे उसके बाद इन्हीं एंगल्स को टू एंगल्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सोलूशन पार्ट नंबर वन सिक्सटी डिग्री यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट right करेंगे ओ यहाँ पे राइट right करेंगे ए अब यहाँ पे ओ पॉइंट पे प्रोटेक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए अब यहाँ पे हमने ड्रा करना है सिक्सटी डिग्री का एंगल तो यहाँ पे राइट right है सिक्सटी यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे सिक्सटी डिग्री का यहाँ पे इस पॉइंट को और पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से अब यहाँ पे कंपस को अंदाजे से ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे अब यहाँ पे ये कंप्लीट सिक्सटी डिग्री का एंगल है इसको डिवाइड करेंगे टू एंगल्स में यहाँ पे राइट करेंगे एल एल पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे एम अब यहाँ पे एम पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से ओ पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे P यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे B यहाँ पे राइट करेंगे थर्टी डिग्री यहाँ पे राइट करेंगे थर्टी डिग्री यहाँ पे ये यह कंप्लीट है सिक्सटी डिग्री का एंगल इसको बायसेकट कर दिया टू एंगल्स में यानी कि थर्टी डिग्री में और थर्टी डिग्री में तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर वन कंप्लीट ड्रा हो गया पार्ट नंबर टू नाइन्टी डिग्री अब यहाँ पे सबसे पहले नाइन्टी डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे ए यहाँ पे राइट करेंगे ओ अब यहाँ पे अंदाजे से कंपास को ओपन करेंगे और ओ पॉइंट पे कंपास को रखेंगे यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से आपने एक आर्क ड्रा करनी है यहाँ पे राइट करेंगे सी सी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइंट करेंगे स्केल की हेल्प से अब यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री का यहाँ पे हमने बाई करना है यानी कि डिवाइड करना है 90 डिग्री एंगल को टू एंगल्स में यहाँ पे राइट right करेंगे डी डी पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे सी पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट right करेंगे एम अब यहाँ पे एम पॉइंट को और ओ पॉइंट को जॉइंट करेंगे स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे बी अब यहाँ पे ये कंप्लीट है 90 डिग्री का एंगल इसको बायसेकट कर दिया 45 डिग्री एंगल में और यहाँ से ये है 45 डिग्री का एंगल अब यहाँ पे ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल है यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का एंगल है और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का एंगल है क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टू कंप्लीट ड्रा हो गया पार्ट नंबर थ्री फोर्टी डिग्री यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे ओ यहाँ पे राइट करेंगे ए अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को ओ पॉइंट पे सेट करके रखेंगे और 45 डिग्री का पॉइंट लेंगे यहाँ पे राइट है 40 40 से नेक्स्ट फाइव छोटी लाइन पे 45 डिग्री का पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 45 डिग्री का पॉइंट होगा अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे कंपस को अंदाजे से ओपन करेंगे ओ पॉइंट पे कंपस को रखेंगे अब यहाँ पे कंपास को अंदाजे से ओपन करेंगे और ओ पॉइंट पे कंपास को रखेंगे यहाँ पे एक आग ड्रा करेंगे अब यहाँ पे ये कंप्लीट 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे राइट right करेंगे एल यहाँ पे राइट right करेंगे एम एल पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे एम पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे पी अब यहाँ पे ओ पॉइंट को और पी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से अब यहाँ पे राइट करेंगे ट्वेंटी टू हॉल वन बाई टू डिग्री यहाँ पे ये एंगल है ट्वेंटी टू हॉल वन बाई टू डिग्री यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है फोर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर थ्री कंप्लीट ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राई अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के फाइव पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सोलूशन पार्ट नंबर वन मयरमेंट ए बी इज इक्वल फाइव सेंटीमीटर मयरमेंट बी ओ इज इक्वल फोर सेंटीमीटर मजरमेंट इज़ इक्वल थ्री सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले फाइव सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे ए यहाँ पे राइट करेंगे बी फाइव सेंटीमीटर अब यहाँ पे कम्पस को ओपन करेंगे फोर सेंटीमीटर बी पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे कम्पस को ओपन करेंगे थ्री सेंटीमीटर ए पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे अब इसी तरह स्केल की हेल्प से यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे फोर सेंटीमीटर यहाँ पे राइट करेंगे थ्री सेंटीमीटर ए बी इज ईक्ल फाइव सेंटीमीटर बी ओ इज ईक्ल फोर सेंटीमीटर एज इक्ल थ्री सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर वन कम्प्लीट ड्रा हो गया पार्ट नंबर टू मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर मयरमेंट वाईज इज़ इक्वल फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर मयरमेंट जी एक्स इज इक्वल सेवन सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे एक्स यहाँ पे राइट करेंगे वाई सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर कम्पस ओपन करेंगे फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर वाई पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे अब कंपस ओपन करेंगे सेवन सेंटीमीटर एक्स पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे अब यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे वाई के साथ यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे एक्स के साथ यहाँ पे राइट करेंगे फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर यहाँ पे राइट करेंगे सेवन सेंटीमीटर एक्स वाई सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर वाई जी फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर एक्स जी सेवन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर टू कम्प्लीट ड्रा हो गया पार्ट नंबर थ्री मैयरमेंट पी क्यू इज इक्वल सेवन सेंटीमीटर मयरमेंट क्यू आर इज इक्वल फाइव सेंटीमीटर मयरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल सिक्सटी डिग्री स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे सेवन सेंटीमीटर यहाँ पर राइट करेंगे पी यहाँ पर राइट करेंगे क्यू सेवन सेंटीमीटर अब यहाँ पर राइट है मैयरमेंट एंगल क्यू इज इक्वल सिक्सटी डिग्री क्यू पे सिक्सटी डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे अब यहाँ पे क्यू पॉइंट पे प्रोटेक्टर को सेट करके रखेंगे अब यहाँ पे राइट है सिक्सटी सिक्सटी पे पॉइंट लेंगे अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को क्यू पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे सिक्सटी डिग्री तो अब यहाँ पे कंपस को ओपन करेंगे फाइव सेंटीमीटर यहाँ पे राइट है मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल फाइव सेंटीमीटर क्यू पे हम कंपस को रखेंगे क्यू पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे पी पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से यहाँ पे राइट करेंगे आर यहाँ पे राइट करेंगे फाइव सेंटीमीटर पी क्यू सेवन सेंटीमीटर क्यू पे सिक्सटी डिग्री का एंगल ड्रा किया और यहाँ पे क्यू आर है फाइव सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट ड्रा हो गया पार्ट नंबर फोर मैयरमेंट एल एम इज़ इक्वल फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर मैयरमेंट एम एन इज इक्वल सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर मैयरमेंट एंगल एम इज़ इक्वल सेवेंटी फाइव डिग्री यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे एल यहाँ पे राइट करेंगे एम यहाँ पे राइट करेंगे फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे अब यहाँ पे राइट है सेवनटी सेवनटी से नेक्स्ट फाइव छोटी लाइन पे सेवेंटी फाइव का पॉइंट है अब यहाँ पे एम पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे अब यहाँ पे कंपस को ओपन करेंगे सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर एम पॉइंट पे कंपस को रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से यहाँ पर राइट करेंगे 75 डिग्री अब यहाँ पर राइट करेंगे 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट करेंगे एन एल एम सेंटीमीटर अब यहाँ पे एम पॉइंट पे थ्री का एंगल ड्रा किया एम एन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर फाइव मैयरमेंट ए बी इज़ इक्ल सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर मयरमेंट एंगल ए इज़ ईक्ल सिक्सटी फाइव डिग्री मैयरमेंट एंगल बी इज़ इक्ल थर्टी फाइव डिग्री स्केल के हेल्प सब से सबसे पहले सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे ए यहाँ पे राइट करेंगे बी सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर अब यहाँ पे राइट है मैयर एंगल ए इज इक्वल सिक्सटी फाइव डिग्री ए पॉइंट पे सिक्सटी फाइव डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे बी पॉइंट पे थर्टी फाइव डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे यहाँ पे राइट है सिक्सटी सिक्सटी से नेक्स्ट फाइव छोटी लाइन पे सिक्सटी फाइव डिग्री का एंगल है यहाँ पे सिक्सटी फाइव डिग्री का एंगल लेंगे अब यहाँ पे ये पॉइंट और ए पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहाँ पे थर्टी फाइव डिग्री का एंगल लेंगे यहाँ पे राइट right है थर्टी तो यहाँ पे ये पॉइंट है थर्टी फाइव का थर्टी से नेक्स्ट फाइव छोटी लाइन पे थर्टी फाइव डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे थर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर राइट करेंगे सिक्सटी फाइव डिग्री यहाँ पर राइट करेंगे सी तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर फाइव कंप्लीट ड्रा हो गया